रहा हूँ सब। आज स्पोर्ट डे है, नेशनल स्पोर्ट डे। मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिन को अब राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन जो है भारत में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए तमाम जो कार्य होते हैं उनकी बातें होती हैं, उनके बारे में प्रचार प्रसार होता है। लेकिन आज हम जहां खड़े हैं ये नौका विहार है, और यहां पर एक अलग तरह का खेल आपको देखने को मिलेगा। खेल ही है, कई लोग शायद इसे शौक समझते होंगे, लेकिन ये वाकई में एक खेल है और इसकी कंपटीशन वगैरह भी होते हैं। कई लोगों को ये बातें पता नहीं है। आप जब स्केटिंग बोलते हैं इसको, जब लोगों को स्केटिंग करते देखते होंगे तो आपके अंदर एक थ्रिल आता होगा कि हमें भी ऐसा करना है। सामान्य तौर पर यह मानवीय स्वभाव है, सबके अंदर आता होगा कि यार कितना रोमांचक है, हमें भी करना है। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और गोरखपुर में भी वो चीज़ें होती हैं, ऐसा आपको जानकर बेहद खुशी होगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो स्केटिंग करते हैं और प्रोफेशनल तौर पर स्केटिंग करते हैं, उनके साथ हम हैं, और उनसे हम जानेंगे इस खेल दिवस के मौके पर कि खेल में जो संभावना है उसमें स्केटिंग की क्या संभावनाएं हैं, गोरखपुर में स्केटिंग की क्या संभावनाएं हैं, और अगर कोई गोरखपुर में स्केटिंग सीखना चाहता है तो वो कैसे सीख सकता है। सबसे पहले तुम अपना परिचय बता दो। मेरा नाम निखिल सिंह राठौर है, मैं प्रोफेशनली स्पीड स्केटिंग का कोच हूँ। अच्छा। और गोरखपुर में जब स्केटिंग शुरू हुई थी तब तो कहीं कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर मैं धीरे से छोटे से स्तर से इसको शुरू किया है, आज इतने बड़े लेवल पर लेते आया हूँ। तो आज गोरखपुर में भी लोग स्केटिंग के बारे में जान रहे हैं, बात कर रहे हैं स्केटिंग के बारे में। जी, तो ये बताओ स्केटिंग, पहले तो ये कितने प्रकार की स्केटिंग होती है, थोड़ा बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अगर आप बात करेंगे स्पीड स्केटिंग की, तो खाली उसमें मेनली दो तरह से होता है, एक इनलाइन कैटेगरी होती है, एक क्वार्ट्स कैटेगरी होती है। जैसे आप इनलाइन देख सकते हैं, ये वाली इस कैटेगरी है, ये वाले स्केट टाइप तरह के, और ये वाले स्केट टाइप है, यानी कि पहिए के संरचना का फर्क होता है। जी, इसमें चार पहिए अलग अलग फोर व्हीलर्स की तरह होते हैं, और इसमें बाइक की तरह आगे पीछे होते हैं। हाँ हाँ। और इसका जो कंपटीशन होता है वो क्या रेस बेस्ड होता है, कैसे होता है? बेसिकली मैं जिसमें कराता हूँ उसमें रेस होता है, वैसे कई सारे तरह के इसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जैसे इसमें हॉकी भी खेला जाता है, स्केट्स पे हॉकी भी होता है, डाउन हिल स्केटिंग होती है, जैसे आपने पहाड़ों पे से उतरने वाले वीडियोस देखे होंगे वो होता है, अल्पाइन होता है, और आर्टिस्टिक होता है, सैलोम होता है, डांसिंग होता है, इसमें अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। ना इसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दिए, ये देखिए कितनी, क्या नाम है आपका? फातिमा तैयब। फातिमा तैयब, कितनी उम्र है आपकी? सिक्स ईयर की हैं आप, और कब से ये सीख रही हैं? एक साल हो गया कि छः महीने हुए, कितने दिन हुए इनको सीखते हुए? इनको फोर से फाइव मंथ हुए। तो मज़ा आता है? कितने रोज आते हो यहाँ पे, मतलब रोज सीखने रोज आते हो कि हफ्ते में आते हो, कब आते हो? हफ्ते में तीन बार आते हो। छोटी बच्ची है, 6 साल की है, सोचिए अभी बात करने में उतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इसकी स्केटिंग जब आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। हमारे साथ एक और बच्ची है, क्या नाम है तुम्हारा? मनाल फातिमा। क्या नाम है? मनाल फातिमा। मनाल फातिमा, तो आप भी स्केटिंग सीखती हैं? यस। कैसे मन किया कि स्केटिंग करना है, कौन अबू ने बताया? यस, अबू ने कहा कि स्केटिंग सीखना, तो मन लगता है आपका? हाँ। मजा आता है? हाँ। और एक और वो थे जिनका हाथ में चोट लग गया था, वो यहाँ नहीं आए? अच्छा, वो पार्क में है। इनसे भी छोटे हैं वो, आपसे भी छोटे हैं वो? हाँ। उनकी वो उनके 5 साल के हैं वो? जी। तो ये क्या, कितने छोटे बच्चे इसमें सीख सकते हैं? मेरे पास बच्चे आते 3 साल की उम्र से बच्चे शुरू कर देते हैं सीखना, और जितना जल्दी बच्चे सीखना शुरू करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा उनके लिए कॉम्पिटिशन। क्या ये सही है कि जितने छोटे बच्चे होते हैं उनकी जैसे हड्डी का जो ऐसा माना जाता है कि उनकी बॉडी में लचकने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, उनको गिरने से डर नहीं लगता है, वो वॉकिंग भी गिरते पड़ते सीखते हैं, वैसे ही स्केटिंग भी वो गिरते पड़ते सीखते हैं, उनको डर बिल्कुल भी नहीं रहता है, और जिनके अंदर डर कम होता है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं गेम। अच्छा ये बताइए स्केटिंग के लिए ये जो शूज की जरूरत होती है, इस शूज की जरूरत होती है, इसके अलावा घुटने पर ये इसके अलावा ये देखिए जैसे नी पैड यूज होता है, ये नी पैड्स यूज होते हैं, ये एल्बो पैड्स यूज होते हैं, ये हेलमेट्स यूज होते हैं। और नी पैड एल्बो पैड तो बच्चों के लिए होता है, बड़ों में हेलमेट कंपलसरी होता है, बिना हेलमेट के किसी को भी स्केटिंग अलाउड नहीं होती है। हेलमेट चाहे आप किसी वर्ल्ड गेम्स में खेल रहे हो या नेशनल या स्टेट, हर जगह हेलमेट कंपलसरी होता है। हेलमेट कंपलसरी है। और ये शूज, अच्छा ये शूज क्या है, कई मतलब दो टाइप के तो मैंने यहाँ देख लिए। हाँ, इसमें भी कई अलग अलग कैटेगरी प्रकार होता है कि बस दो ही तरह के होते हैं? नहीं, इसमें भी कई सारे प्रकार के होते हैं। जैसे आपके ये स्पीड बूट्स है, इसके अलावा आपके फैंसी लाइन्स होते हैं, एग्रेसिव लाइन्स होते हैं, हॉकी इन लाइन्स होते हैं, सैलोम इन लाइन्स होते हैं, फ्री स्टाइल के लिए होते हैं, सबके अलग अलग टाइप के स्केट्स। अच्छा ये बताइए क्या प्रोफेशनल के तौर पर ही लोग सीखते हैं या लोग शौकिया तौर पर भी सीख सकते हैं? बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो शौकिया तौर पर सीखते हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल तौर पर सीखते हैं। यहाँ जो मेरे पीछे खड़े बच्चे हैं इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो स्टेट लेवल में मेडल ला चुके हैं, कुछ नेशनल में भी ला चुके हैं,
कुछ स्टेट क्वालिफाई करके नेशनल गए हैं, तो हर एक लेवल पे बच्चे खेलते हैं यहाँ से। अच्छा, अगर कोई सीखना चाहे हाँ, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट, मतलब फिटनेस को लेकर क्या क्या होना चाहिए? जैसे होता ना कि अगर ये फिट है तो आप कर सकते हैं, ऐसा क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि बच्चा कम्प्लीटली फिट है तभी वो सीख सकता है, बल्कि अगर आप गेम में एनरोल करोगे बच्चे को तो उससे बच्चे की फिटनेस बनेगी। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं जो हेल्दी होते हैं लेकिन वो कुछ टाइम के बाद फिट हो जाते हैं स्केट्स करते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है और ये रनिंग से बेटर होता है। कितने दिन में सीख सकता है आदमी बेसिक स्किल्स? तो एक महीने में बच्चे सीख जाते हैं। बेसिक स्किल्स के लिए एक महीना बहुत होता है, मोर देन सफिशियंट होता है, लेकिन अगर आप एडवांस स्किल सीखना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल का करना चाह रहे हैं, तो वो 5 से 6 महीना आपको टाइम देना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, आप जो है इसकी एकेडमी चलाते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, तो क्या क्या आपके यहाँ प्रोसेस है, क्या टाइमिंग है, इस बारे में कुछ बताइए? जैसे मेरा गोरखपुर क्लब में एकेडमी चलती है, तो वहाँ की टाइमिंग है 6:15 से 7:15 इवनिंग के टाइम में, एंड अर्ली मॉर्निंग इस रोड पे हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटेटिव लेवल जा रहे हैं वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे से शुरू करते हैं, 4:30-5 बजे से शुरू करते हैं यहाँ पे। तो जो जो आपके यहाँ सीखना चाहे तो क्या उसे वहाँ आना होगा, यहाँ आना होगा, क्या होगा? उनको जहाँ भी कन्वीनियंट लगे वहाँ आ सकते हैं। इनफैक्ट अभी मैंने नया शुरू किया, ये दिग्विजयनाथ पार्क है, उसके पार्किंग लॉट में अभी के लिए गोरखपुर में अगर देखा जाए सबसे अच्छी जगह वही है सीखने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेसियस है। ओके, वहाँ पर आप सीख सकते हैं अच्छे से, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए क्या संभावनाएं हैं भविष्य में इसको लेकर, क्योंकि खेल दिवस जब मनाए जाने की बात नरेंद्र मोदी ने कही कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को अब हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाएंगे, तो उसके बाद ये कहा गया कि खेल पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन खेल के नाम पर भारत में अभी भी क्रिकेट और फुटबॉल तक ही लोग सीमित रहते हैं, स्केटिंग को अभी भी खेल में बहुत कंसिडर नहीं करते हैं, तो क्या लगता है क्या इसको? नहीं, अब यूपी गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट है, वो स्केटिंग को भी काफ़ी हद तक बढ़ावा दे रही है, काफ़ी हद तक बच्चों को सपोर्ट दे रही है कि गेम आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़े, और इस समय वर्ल्ड गेम्स में भी बच्चे जाके परफॉर्म करना शुरू कर दिया इंडिया के। पहले जाते थे, एशियन मेडल्स थे इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड गेम्स में कभी मेडल नहीं आया था। तो इस समय वर्ल्ड गेम्स में जूनियर कैटेगरी में लास्ट ईयर आनंद वेलकुमार ने सिल्वर मेडल लाया, और इस साल वर्ल्ड गेम्स में धनुष बाबू जो इंडिया के करंट फास्टेस्ट है वो टॉप 5 में आए, ऑल वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 5 पे आए। तो ये गवर्नमेंट का सपोर्ट ही है जो इस वजह से प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम है, वहाँ पर क्या इस तरह के अभी खेलों की? नहीं, अभी ये किसी स्टेडियम में नहीं हुआ, लेकिन हाँ स्केटिंग के प्रॉपर अलग से स्टेडियम होते हैं। अच्छा। जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट ने पास किया है लखनऊ में बनने के लिए, और लखनऊ में इसका प्रोफेशनल स्टेडियम बन रहा है स्केटिंग का, तो तब इसकी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। जी बिल्कुल बढ़ेंगी। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ ऐसा बता दें जिससे लोग अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे, आपसे स्केटिंग सीखना चाहे तो कर सके। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7007665624। ठीक है, तो आप पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा नंबर इनका नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप बेहतर काम कर रहे हैं और कुछ नया सिखा रहे हैं गोरखपुर के बच्चों को, खासतौर पर जब हम इतने छोटे छोटे बच्चों को स्केटिंग करते हुए देखते हैं तो वो बेहद रोमांचकारी है। हम भविष्य के लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएँ, और इस खेल दिवस के मौके पर आप जैसे इस अनूठे खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।